गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा आज हम चैप्टर करेंगे थर्ड। चैप्टर थर्ड में क्या है? एडिशन। और एडिशन क्या होता है बेटा? नंबर्स को जोड़ना एडिशन कहलाता है। ठीक है, आज हम करेंगे एडिशन ऑफ वन डिजिट नंबर्स। ठीक है बेटा, आपने यूकेजी में कैसे सीखा था? लाइन ड्रॉ करके सीखा था। फिर आपने फर्स्ट में कैसे फिंगर पर काउंट करना सीखा था। अब हम आपको कराएंगे माइंड वाला। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, 7 + 2। बेटा ये किसका साइन है? प्लस का साइन है, एडिशन का साइन है, एड का साइन है। ठीक है, अब 7 और 2 को हमें प्लस करना है। ठीक है, इसमें से सबसे पहले आपको क्या देखना है, जो नंबर बड़ा है उसको हमें क्या है ना, कीप इन माइंड, और जो नंबर छोटा उन्हें हम किस पे रखेंगे, फिंगर पर। ठीक है, 7 नंबर कीप इन माइंड एंड 2 नंबर ऑन फिंगर। ठीक है, 2 नंबर काउंट ऑफ फिंगर टेक, फिर जो माइंड में रखा था हम उसे वापस लेंगे, टेक 7, 8 और 9। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, राइट हेयर 9। ठीक है, 7 + 2 = 9। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन सेकंड। अब बेटा 6 और 2 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 6 नंबर बड़ा है ना बेटा, तो 6 नंबर कीप इन माइंड एंड 2 नंबर ऑन फिंगर। ठीक है, जो हमने माइंड में रखा है हम उसे वापस लेंगे और उसे नेक्स्ट नंबर से काउंट करेंगे, 6, 7, 8। 6 + 2 = 8, राइट हेयर 8 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब बेटा इसी तरह से 4 + 3, 4 में हमें क्या जोड़ना है, 3 नंबर जोड़ने हैं, 4 नंबर्स में 3 नंबर जोड़ने हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 4, तो इसे हम किस में रखेंगे, माइंड में, और 3 नंबर्स को फिंगर पर रखेंगे, 4 नंबर कीप इन माइंड एंड 3 नंबर ऑन काउंट ऑन फिंगर। ठीक है, 1, 2, 3 टेक 4, 5, 6, 7, राइट हेयर 7, 4 + 3 = 7। ठीक है, अब इसी तरह से बेटा ये आपको सम सारे सॉल्व करने हैं। अब देखिए इसमें क्या है बेटा, 3 नंबर्स हैं, जैसे 1, 2 और 5। अब हमें क्या करना है, 1 + 2 + 5, ठीक है, इनमें से जोड़ना है। अब हमें इनमें से देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बेटा, 5 है, तो 5 नंबर कीप इन माइंड एंड 2 नंबर ऑन फिंगर। ठीक है, पहले हम इन दो को प्लस करेंगे, टेक 5, 6, 7, और फिर कौन सा नंबर आ गया, 1, 7 के बाद क्या आएगा बेटा, 7 और 1 = 8, राइट हेयर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 + 3 + 2, अब हमें इन्हें 3 नंबर्स को प्लस करना है, 4, 3 और 2 को। ठीक है, अब इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा बेटा, 4 है, 4 नंबर कीप इन माइंड एंड 3 नंबर काउंट ऑन फिंगर। 3 नंबर को काउंट करना बेटा, 1, 2, आप जानते हैं जैसे बेटा 3 फिंगर आप जल्दी से निकाल लेंगे, ठीक है ना, 3 फिंगर्स, 1, 2, 3 फिंगर्स है। ठीक है, टेक 4 के बाद कौन सा नंबर आता बेटा, 5, 6, 7, 7 हो गए बेटा ये, 4 और 3 कितने हो गए, 7। अब हमें 2 नंबर फिंगर पर काउंट करना है, 7 नंबर को हम माइंड में रखेंगे और 2 नंबर को हम फिंगर पर, टेक 7, 8, 9, राइट हेयर 9। ठीक है, 4 और 3 = 7 + 2 = 9। अब नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 5 + 6 + 2, अब हमें 3 नंबर्स को इनको प्लस करना है। ठीक है, अब इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 नंबर है, 6 नंबर कीप इन माइंड, हमें 6 नंबर को कहाँ रखना है, माइंड में रखना है, और 5 नंबर्स काउंट ऑन फिंगर। आप जानते हैं बेटा ये 5 फिंगर्स है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब जो हमने माइंड में रखा था हम उसे वापस लेंगे और उससे नेक्स्ट नंबर से काउंट करेंगे। ठीक है, 6 के बाद क्या आएगा बेटा, 7, 8, 9, 10, 11, 11। अब इन ये दोनों कितने होंगे बेटा, 11 नंबर होगा। अब 11 नंबर को हमें माइंड में रखना है और 2 नंबर को फिंगर पर रखना है, टेक 11, 11 के बाद क्या आएगा बेटा, 12 और 13, राइट हेयर 13। अब आपको बेटा क्लियर
इतना समझ में आ गया? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करा देती हूँ, ठीक है। अब इनमें से 9, 8 और 6 में इनमें से बेटा कौन सा नंबर बड़ा है? 9 नंबर बड़ा है। 9 नंबर कीप इन माइंड एंड 8 नंबर ऑन फिंगर। अब आपको 8 नंबर्स को फिंगर पर काउंट करना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। जो आपने माइंड में कितने नंबर रखे हैं बेटा? 9। वहां से टेक 9, 9 के बाद क्या आएगा? यहां तक आया ना बेटा 8। अब हमें इसको वापस से वहां तक काउंट करेंगे। 8 के बाद क्या आएगा? 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब जो इन दोनों का जो जोड़ आया है बेटा, इन दोनों को जो हमने ऐड किया है, ये कितने आए हैं? 17। अब 17 नंबर को हमें माइंड में रखना है और 6 नंबर को हमें फिंगर पर काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब टेक 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, इनको ऐड करने से क्या है बेटा? 9 एंड 8 को क्या आया? 17। और 17 में 6 प्लस किया तो क्या आया? 23, ठीक है। इट इज क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखिए 5 + 7 + 3 इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है? विच इज द लार्ज नंबर? 7 नंबर इज द लार्ज नंबर। ओके, 7 नंबर कीप इन माइंड एंड 5 नंबर ऑन काउंट ऑन फिंगर। 1, 2, 3, 4, 5। अब ये तो आप जानते ही हैं बेटा, ये 5 फिंगर्स हैं, काउंट करने की भी जरूरत नहीं होती हमें, ठीक है। टेक, जैसे 7 नंबर माइंड में रखा है, उसे नेक्स्ट नंबर लेना है, ठीक है ना। 7 तो ये है ही, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 7 एंड 5 कितने हुए बच्चों? 12। अब 12 में हमें क्या प्लस करना है? 3 प्लस करना है, ठीक है। अब 12 नंबर इन, 12 नंबर कीप इन माइंड एंड 3 नंबर काउंट ऑन फिंगर, ठीक है। 12 के बाद क्या आएगा बेटा? जो हमने माइंड में रखा, टेक 12 के बाद क्या आएगा? 13, 14 और 15, राइट एयर 15, ठीक है। अब इसी तरह से बेटा आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं, सम सोल्व करने हैं, ठीक है बेटा। ये वाला आपको, ये सम्स आपको बुक में भी करना है, नोटबुक में भी करना है, ठीक है। और सुंदर सुंदर वर्क करना बेटा, आपको चैप्टर डालना है, ठीक है। डेट डालनी है आज की, डेट डालने के बाद में चैप्टर का नाम डालना है, एडिशन, और यहाँ हम डालेंगे एडिशन ऑफ वन डिजिट नंबर, ठीक है। उसके नीचे हम डालेंगे फाइंड द सम, और बेटा इसके नीचे जब आप नोटबुक में वर्क करेंगे तो इसके नीचे आप कलर से अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। चैप्टर के नीचे भी, ये चैप्टर के नीचे भी अंडरलाइन आपको करनी है नोटबुक में, ठीक है। डेट मेंशन करनी है बहुत सुंदर सुंदर, और डे लिखना है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ बेटा, इस तरह से, जैसे देखिए, सबसे पहले आपको डेट मेंशन करनी है। आज डेट क्या है बेटा? 15। मंथ क्या है बेटा? जुलाई एंड 20, ठीक है। इधर आपको डालना है क्लास वर्क, ठीक है। इधर आपको चैप्टर डालना है, चैप्टर थर्ड, और चैप्टर का नाम क्या है बेटा? एडिशन, जोड़ना, नंबर्स को जोड़ना, ठीक है। यहां आपको डे मेंशन करना, आज डे क्या है बेटा? आज है वेडनेसडे, और आपको कलर से अंडरलाइन करनी है इन्हें, ठीक है। आपको कलर से अंडरलाइन करनी है, बहुत सुंदर सुंदर वर्क करना है ये, इस तरह से, ठीक है। यहां आपको लिखना है एडिशन ऑफ वन डिजिट नंबर, ठीक है। यहां लिखना है फाइंड ऑफ, फाइंड द सम, और यहां पे आपको स्टार्ट करना है 7 + 2, ठीक है। इस तरह से बेटा आपको बहुत सुंदर सुंदर वर्क अपने नोटबुक में करना है और बुक में भी करना है, ठीक है। यही आपका सफिशिएंट है बेटा वर्क, ठीक है। ओके, थैंक यू।